हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, ओपन टू आइडिया ऑफ एडिंग वैक्सीन ड्राइव इफ़ ईसी हेल्प इज सॉट। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है कि बेसिकली वो वैक्सीनेशन ड्राइव में हेल्प कर सकते हैं अगर उनकी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ऐसा बोला गया था कि COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव वैसे ही होगी जैसे कि इलेक्शन प्रोसेस होता है। और जैसे इन जो इलेक्शन कमीशन, उसको आर्टिकल 324 के अंदर पावर मिली है टू कंडक्ट इलेक्शंस, तो वैसे उन्होंने बोला है कि हमें इसमें कोई एक्सपर्टीज तो नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें हेल्प के लिए बोलेगा तो देन श्योरली वी विल टेक अ कॉल। अब इन यूपी फार्मर्स गेट नोटिस ऑफ ₹50 लाख फॉर प्रोटेस्ट, पुलिस से विल रिवाइज सम। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने जो फार्म यूनियन के लीडर्स हैं उनको 50 लाख का बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड सबमिट करने के लिए बोला, कि जिससे वो कोई भी फार्मर्स में कोई भी इनसाइट वॉयलेंस या फिर पब्लिक मोरालिटी को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए सीआरपीसी के अंदर ये पावर होती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंदर, मजिस्ट्रेट के पास, कि वो चाहे तो लोगों से पर्सनल बॉन्ड पहले से रखवा सकता है कि आप पर्सनल बॉन्ड यहाँ पर रख के जाओ अगर आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, ताकि कोई भी वॉयलेंस ना हो और कोई भी पब्लिक मोरालिटी में या फिर उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो बेसिकली ये है, फिर बाद में वही सब की क्लरिकल एरर था ये, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आसाम इलेक्ट्रिक फेंसेस टेक टोल प्रेग्नेंट एलिफेंट लेटेस्ट कैजुअलिटी। तो क्या करते हैं जो आसाम के ये जो विलेजर्स हैं, ये क्या करते हैं, फेंस्ड वायर रख देते हैं, लाइव फेंस्ड वायर। तो जब एलिफेंट वहाँ पर आता है इनकी क्रॉप वगैरह में, तो उससे पहले वो उससे मर जाता है उसको जब करंट लग जाता है। तो इलेक्ट्रिक फेंसेस पुट अप बाय द विलेजर्स। तो बेसिकली अभी देखा गया कि रिसेंटली एक प्रेग्नेंट एलिफेंट की ऐसे डेथ हो गई। ये कहाँ का इंसिडेंट है, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे, आसाम में। तो इससे पहला इशू हमें क्या पता चल रहा है कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या पता चल रही है, जो फार्मर्स हैं ये जब लगाते हैं जो लाइव फेंस वायर्स, तो ये कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे करते हैं, ये एक्चुअली बिजली को किसी तरह स्टील कर रहे हैं, मतलब थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात ये है कि ये बेसिकली इसलिए इतना नाराज़ है क्योंकि इनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, मतलब जो इनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए अगर इनकी क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं, तो वो कॉम्पनसेशन नहीं मिलता स्टेट गवर्नमेंट से, तो बहुत टाइम लग जाता है कॉम्पनसेशन मिलने के लिए। तो उसके भी विलेजेस का एक रिसेंटमेंट है कि एलिफेंट्स हमारी क्रॉप ख़राब कर देते हैं, उसके बाद भी हमें कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। तो कुछ इशूज़ भी यहाँ पर हैं, तो आप इन इशूज़ पर थोड़ा सोच सकते हैं। यहाँ पर वी आर इन टच विद आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एंड 29 ट्रांसफार्मर्स हैव बीन डिसकनेक्टेड इन द एरिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है। एट एवरी मीटिंग आई टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रिक्यूशन प्रॉब्लम, पीपल हैव इंक्रोच्ड अपॉन लैंड दैट इज मेंट फॉर एलिफेंट्स। तो एक ये भी इशू है कि जो लैंड एलिफेंट का है वो लोगों ने वो इंक्रोच कर लिया है। बाकी द विलेजर हार्बर रिसेंटमेंट बिकॉज दे आर नॉट कॉम्पनसेटेड बाय द गवर्नमेंट, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता अगर उनकी क्रॉप डैमेज हो जाता है, सो दे टेक मैटर्स इन टू देयर हैंड, फिर उसके लाइव वायर्स लगा देते हैं। ये अनचेक्ड सैगिंग पावर लाइन्स है, मतलब यहाँ पर बिजली विभाग को पता नहीं होता यहाँ पर बिजली यूज़ हो रही है, तो इससे क्या होता है। तो ये भी हम कर सकते हैं कि टू चेक सैगिंग वायर्स, मतलब इनको बंद करने की किया जाए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक लाइन्स का थेफ्ट ऑफ पावर हो रहा है। इसके अलावा ओरांग, मानस और लाओ खोवा, ये तीनों ही नेशनल पार्क्स असम में हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या सेट किया, एक इन्होंने मोबाइल एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड्स बनाए हैं आर्म्ड विद पंप एक्शन गन्स एंड रबर बुलेट्स। और एक और इन्होंने सोल्यूशन दिया था कि ये सोलर पावर फेंस लगाएंगे ताकि वो दूर से ही दिख जाएंगे एलिफेंट्स को। ये शायद यहाँ पर कहीं लिखा था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। हाँ, तो सोलर पावर फेंस लगाएंगे तो फिर वो अगर उनको दूर से ही दिख जाएगी एलिफेंट्स को, तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है और वो उससे थोड़ा डरेंगे और वहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप ये कुछ इश्यूज़ हैं, इनके कुछ सोल्यूशंस भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये छत्तीसगढ़ के अगर आप हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक मेट्रो टू रोल आउट फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन। तो मेट्रो रोल आउट कर रहा है फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन। तो जो DMRC की ट्रेन हैं पिंक और मेजेंटा लाइंस में, वो विदाउट ड्राइवर्स होंगी, पर स्टार्टिंग विदाउट ड्राइवर्स नहीं होंगे, मतलब ड्राइवर होगा पर उसमें बेसिकली उसका कुछ ज़्यादा काम नहीं होगा। तो मेट्रो हैज़ नॉट येट स्विच्ड टू कंप्लीट ऑटोमेशन, करंटली ट्रेन्स प्लेइंग ऑन दिस कॉरिडोर्स हैव ड्राइवर्स ऑन बोर्ड, पर ड्राइवर्स कुछ भी करेंगे नहीं अपार्ट फ्रॉम क्लोजिंग डोर्स एज द ऑटोमेटेड सिस्टम टेक्स केयर ऑफ स्पीड, क्योंकि जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वही स्पीड, ओपनिंग ऑफ डोर्स अमंग अदर थिंग्स वो सब देख लेगा। तो ठीक है, ये अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है कि ड्राइवरलेस ट्रेन सब मेट्रो चला रहा है, तो दिस इज़ गुड थिंग। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, और यहाँ पर खास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, ये सब फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बारे में और वही सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर MEA नहीं, ये बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस के बारे में कुछ चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश के, वो हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने ही फाउंडेड द रिलेशन मार्क बाय सॉवरनिटी, इक्वालिटी, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपको पता होगा बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन 1971 में बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, उससे पहले वो ईस्ट पाकिस्तान का था,
जो 2020 है वो उनकी बर्थ सेंटेनरी है ऑफ बंगा बहादुर शेख मुजीबुर रहमान। तो बांग्लादेश ने इसे डिसाइड किया है कि इसे मुजीब वर्षों के नाम से सेलिब्रेट करेंगे, दैट इज़ मुजीब ईयर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे, लेकिन वो लास्ट ईयर जा नहीं पाए 17 मार्च 2020, क्योंकि ग्लोबल आउटब्रेक हो रखा था कोविड-19 के, इसलिए वो फिजिकली विजिट नहीं कर पाए। पर हाँ, उन्होंने वर्चुअली ट्रिब्यूट पे किया था टू द बंगा बहादुर, उनका बंगा बंधु, और उनका ये भी कहना था दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी। बाकी दोनों ने क्या बात की, वही जो सेम बात करते हैं हर नेशन के साथ, बायलेटरल रिलेशनशिप टू फर्दर स्ट्रेंथन कोऑपरेशन। ठीक है, एक पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज की जाएगी मार्किंग द बर्थ ऑफ सेंटेनरी ऑफ बंगा बंधु वॉज लॉन्च्ड, एंड बंगा बंधु बापू डिजिटल म्यूजियम वॉज अनवील्ड। तो एक म्यूजियम भी शुरू किया गया, बंगा बंधु बापू डिजिटल म्यूजियम। जो दो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, एक और चीज़ इनॉग्रेट करेंगे, वो रेल लिंक इनॉग्रेट करेंगे चिल्हाटी और हल्दीबारी। चिल्हाटी बांग्लादेश में और हल्दीबारी इंडिया में, वेस्ट बंगाल में। तो ये 1965 से पहले लिंक चलता था लेकिन वो बंद हो गया था, लेकिन अब वापस उसको रिस्टोर करने की बात की जा रही है। इसके अलावा अभी वीज़ा रिजीम में कुछ चेंज किया जाएगा ताकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और ज़्यादा बढ़े। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ये दिखाता है कि लगभग 2.25 मिलियन टूरिस्ट केम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। इसके अलावा हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं बांग्लादेश में, और फॉर एग्जांपल वहाँ के बिजनेसेस में एंगेज होने, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स में एंगेज होने, जो कि दोनों की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। बांग्लादेश इस बार अपनी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब 1971 से 50 साल हो गए बांग्लादेश को फॉर्म किए हुए। तो बाकी इसमें तो सेम था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कि हमारा नेबरहुड सबसे फर्स्ट है, तो हमने एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जो बनाई हैं वो सब पढ़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम ऑफ चॉइसेस। तो अभी मैंने आपको कल पढ़ाया था जो 4G स्पेक्ट्रम है वो इस बार 3.92 लाख करोड़ में बिक रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट इस बार थोड़ा सस्ते में बेच रही है, ताकि क्या हो कि उसको जो भी टैक्सेस में कमी आई है इस बार तो उसको पूरा कर सके, जो भी इससे पैसा आएगा उससे। ठीक है, तो ऑथर ने इसमें कुछ बोला है कि सस्ते में बेचना ठीक भी है, देखो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, उसके कुछ फायदे भी हैं। तो ऑथर ने बेसिकली बताया कि अच्छी बात है कि सस्ते में बेच रही है, क्यों। हाउएवर वेदर दिस राउंड ऑफ ऑक्शन विल बी मेट विद एंथुसियाज्म वाज नॉट क्लियर, क्योंकि हाई रिजर्व प्राइसेस हैव इन द पास्ट लेड टू पुअर आउटकम्स। अगर आप हाई रिजर्व प्राइसेस रखते हो तो उससे पुअर आउटकम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब गवर्नमेंट ने 2,354.55 मेगाहर्ट्ज़ ऑफ स्पेक्ट्रम बेचने की बात की थी पर प्राइसेस हाई रखे थे, तो वो सिर्फ 40% ही बेच पाई थी, क्योंकि उनके हाई रिजर्व प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। रिजर्व प्राइसेस क्या होते हैं कि बेसिकली आप इससे कम भी तो नहीं ही बेचोगे, मतलब ये आपका लास्ट प्राइस है, इसके ऊपर ही बेचोगे। तो एज अ रिजल्ट इट वॉज एबल टू मॉप अप ओनली 65,789 करोड़। लेकिन दिस टाइम हम देख रहे हैं कि सारी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको अपने लाइसेंस वापस से रिन्यू करने, क्योंकि 2021 में उनके एक्सपायर हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इस बार कम रखा है कि उनको भी पैसे चाहिए कि जल्दी से उनकी चीज़ें, ये स्पेक्ट्रम लाइसेंस सेल हो जाए ताकि उनके पास भी रेवेन्यू आ जाए। तो अल्टरनेटिवली हाई रिजर्व प्राइसेस को लीड टू अ सिचुएशन वेयर बिडिंग इज डोमिनेटेड बाय सिंगल प्लेयर टू द डेट्रीमेंट ऑफ बोथ कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर्स। तो अगर हाई रिजर्व प्राइसेस होगा तो कोई एक ही कंपनी खरीद लेगी, फॉर एग्जाम्पल जियो के पास इतना पैसा होगा, जियो खरीद लेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा। अगर कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा तो उससे कभी कंज्यूमर को फायदा नहीं हो सकता है। तो बेसिकली यही आर्टिकल है कि उन्होंने बोला ठीक किया कि गवर्नमेंट सस्ते में इस बार बेच रही है। इस पे क्या है, नॉन मॉन्शियर, इसमें एक फ्रांस में एक लॉ है 2013 का लॉ है, जिसमें ये बोला गया है कि कोई भी एक जेंडर 60% से ज़्यादा पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है मैनेजमेंट पोजीशन में, कैन गो टू द पीपल ऑफ सेम जेंडर। तो फ्रांस की कोई पब्लिक सर्विस मिनिस्ट्री है, उसमें क्या हुआ, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें वुमेन्स के ऊपर कुछ 1,10,000 का फाइन लगा दिया है पेरिस सिटी अथॉरिटीज फॉर एम्प्लॉइंग टू मेनी वुमेन इन इट सीनियर पोजीशन, कि वहाँ पर 11 वुमेन और 5 मैन है, मतलब यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गया है, 11 वुमेन और 5 मैन। तो यहाँ पर जैसे एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, मेल मेंबरशिप नीड्स टू बी इनकरेज इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर हम उस क्वेश्चन का कुछ ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे फ्रांस की केस स्टडी। ठीक है, तो उन्होंने लॉ ब्रेक किया है कि 60% से ज़्यादा एक जेंडर को नहीं रख सकते, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन ज़्यादा हैं, लगभग 11 वुमेन है एज कम्पेयर टू 5 मैन। अब यहाँ पर क्या है, लेट स्कूल्स ओपन, तो ऑथर का ये कहना है कि आपको स्कूल को खोलने देना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह स्कूल खुल भी चुके हैं, तो ड्यूरिंग द पैंडमिक वो सबसे पहले बंद हुए, तो सबसे लास्ट में शायद खोले। वेरियस स्टेट्स हैव अटेम्प्टेड टू रीओपन स्कूल्स, मतलब वेरियस स्टेट्स ने सोचा कि वो स्कूल्स को रीओपन करें, लेकिन अभी तक इस पर कुछ ऐसी सहमता नहीं बनी है कि खोलना है कि नहीं खोलना है। ह्यूमन इंटरेक्शन इन द रियल वर्ल्ड हैज़ बिकम अ स्केयर रिसोर्स, तो ऑथर का ये कहना है कि अभी हम देख रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ही स्केयर्स रिसोर्स हो चुका है। पैंडेमिक ने हमें फोर्स किया है टू प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज ओवर विच दिस लिमिटेड रिसोर्स कैन बी स्पेंड। डिफरेंट सोसाइटीज हैव चोजन टू एक्ट डिफरेंटली, जैसे कि यूरोपियन मॉडल हैज़ बीन टू कीप स्कूल्स रनिंग एज मच एज पॉसिबल। तो एवरेज, ऑथर ने बोले कि इंडिया में स्कूल्स खोलना एक दिक्कत की बात है। पहली बात ये, जो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है स्टूडेंट को वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और किसी भी स्कूल में डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। और ऑथर ने यह भी बोला कि जो सारे डिसीजंस होते हैं वो हमेशा नेशनल स्टेट लेवल को लेने की जरूरत नहीं है, लोकल काउंसिल्स को बोलने चाहिए कि आप
उस एरिया में स्कूल खोलने नहीं खोलने लोकल काउंसिल पे डिसीजन छोड़ देना चाहिए. मतलब दे आर बेसिकली सेइंग फॉर द मोर डिसेंट्रलाइजेशन. तो लोकल काउंसिल्स और डिस्ट्रिक्ट्स कुड हैव चोजन टू स्टे ओपन डिपेंडिंग ऑन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज द लोकल नीड्स एंड कैपेबिलिटीज. ऑथर ने यहाँ पे दो सिस्टम बताए पढ़ाने के. पहला होता है हॉरिजॉन्टल मेथड, दूसरा होता है वर्टिकल मेथड. वर्टिकल मेथड में क्या होता है, बेसिकली टीचर बताता जाता है, स्टूडेंट लिखता जाता है और जब उसको जरूरत पड़ती है वो क्वेश्चन पूछ लेता है. लेकिन हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होता है, बच्चे आपस में ग्रुप स्टडी करके सीखते हैं, एक दूसरे से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्वियसली टीचर से तो पूछेंगे. तो जो कंट्री होते हैं उनके हम बेसिकली दोनों मेथड यूज होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. लेकिन इंडिया में देखा गया है कि वर्टिकल मेथड ज़्यादा यूज होता है, मतलब टीचर्स नोट्स डिक्टेट करता है और बच्चे लिखते रहते हैं. दे शो दैट इन सोसाइटीज वेयर द हॉरिजॉन्टल मेथड इज प्रीडोमिनेंट, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेथड प्रीडोमिनेंट होता है वहाँ पे जनरलाइज लेवल्स ऑफ ट्रस्ट इन द सोसाइटी आर लाइकली टू बी हायर. फॉर एग्जाम्पल आप एक दूसरे से बात करोगे तो ट्रस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आप में. तो अगर हॉरिजॉन्टल मेथड यूज होता है तो उससे ट्रस्ट बढ़ता है. लेकिन अगर बच्चे ऑनलाइन में घर पर पढ़ रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड तो वहाँ हो नहीं सकता, वहाँ तो टीचर बेसिकली डिक्टेट ही करेगा. तो इससे क्या होता है, जो आपस में लोगों का ट्रस्ट है वो कम होता है. स्टूडेंट्स अंडर द वर्टिकल सिस्टम आर लाइकली टू हैव लोअर असेसमेंट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन, और उनके अंदर वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन भी कम होगा. और नेक्स्ट पर चलते हैं. ऑथर ने इसमें बेसिकली ये बोला कि जैसे हमने कोविड से डील किया वैसे हम ट्यूबर क्लॉसिस से भी डील कर सकते हैं. तो जैसे अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये कहना था कि डेडली वायरस ने हमने जो भी इतना हमने डिकेड्स जितनी भी मेहनत की थी टीबी से लड़ने के लिए वो सब खराब हो गई क्योंकि उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाया. लेकिन ऑथर ने बोला मिनिस्टर राइट है क्योंकि अभी लॉकडाउन में एक रिजल्ट आया जिसमें ये पता चला रिजल्टेड इन अ 30% डिक्लाइन इन ट्यूबर क्लॉसिस डायग्नोसिस एंड रिपोर्टिंग, कि ट्यूबर क्लॉसिस की डायग्नोसिस और रिपोर्टिंग में कुछ 30% डिक्लाइन आया है. एंड एडिशनल 1.19 मिलियन टीबी केसेस एंड 361,000 टीबी डेथ्स में आकर इन इंडिया, कि मतलब इतनी ज़्यादा डेथ्स हो सकती हैं. सॉरी अब हम यहाँ पर चलते हैं. बट वी बिलीव दिस इज टेम्पररी. पर ऑथर ने बोला ये टेम्पररी है क्योंकि हमने जो भी कोविड 19 से सीखा वो हम टीबी के लिए यूज़ कर सकते हैं. बट वी बिलीव दिस इज टेम्पररी इन द लॉन्ग रन. द पेंडेमिक प्रोवाइड्स एन अनप्रेसिडेंटेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड ओपन्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेलरेटिंग अवर टीबी एलिमिनेशन एंडेवर दैट नो अदर डिजीज हैज इन मॉडर्न. मतलब कोविड 19 ने जितना इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट्स को परेशान कर दिया था उतना किसी भी डिजीज ने नहीं किया. टीबी एक इन्फेक्शस डिजीज ही है जैसे कि बेसिकली कोरोना वायरस हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. दैट ऑल्सो स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स एंड एरोसोल्स. ये भी ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स से स्प्रेड होती है जिससे रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है. और टीबी का मॉर्टेलिटी रेट लगभग 13% है जो कि टीबी उसका जो कि कोविड 19 का सिर्फ 1.3% है. दूसरा मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और ट्रेसिंग, ये तो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हो गए कोविड 19 की वजह से. तो इससे टीवी एलिमिनेशन भी हो सकता है क्योंकि टीवी में भी तो एरोसोल्स वगैरह से ट्रांसफर होते हैं ना. तो इसको हम यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा लोग मास्क यूज़ करेंगे तो टीवी का अपने आप ही इंसिडेंसेस ही कम हो जाएंगे. मोर ओवर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सिस्टम, अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट करने की बात कर रही है. तो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फेक्शन कंट्रोल इक्विपमेंट, इन सब की वजह से क्या होगा, हम जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन उसको कम कर सकते हैं, तो उसमें टीवी को भी कम कर सकते हैं. इसके अलावा तीसरा ये है कि पहले लोग स्वाब टेस्टिंग, स्पटम टेस्टिंग नहीं कराना चाहते थे लेकिन कोविड 19 की वजह से ये बहुत कॉमन हो गया. तो लोग अब इससे डरते नहीं, लोग हाँ सामने आकर कराते हैं, ठीक है हम करा ले रहे हैं. तो थर्ड, द कोविड 19 एक्सपीरियंस विल बूस्ट टीवी टेस्टिंग एट स्केल यूजिंग मॉडर्न टूल्स. देयर विल बी इंक्रीज पब्लिक एक्सेप्टेंस फॉर द स्पटम टेस्ट. ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें कोविड 19 से सीख सकते हैं जिसको कि हम टीवी के लिए यूज़ कर सकते हैं, टीवी के डायग्नोसिस, टेस्टिंग और उसके क्योर के लिए यूज़ कर सकते हैं. पहला ये स्पटम टेस्ट अब ज़्यादा हो गया है, उसके अलावा जब मास्क वास्क है तो उससे भी हमें अब दिक्कत नहीं होगी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है. तो ये कुछ इश्यूज़ हैं. इसमें मुझे कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं लगे, लव जिहाद पे आर्टिकल, फार्मर्स प्रोटेस्ट पे, वही सारी चीज़ें जो हम सेम पढ़ते रहते हैं. अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. यहाँ पर ये बोला गया है जो डेंटल क्लिनिक्स में, आपको पता होगा कि डेंटल प्रोसीजर्स उसमें क्या होता है कि जो एरोसोल्स होता है वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं. ठीक है, जब भी डेंटल प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं विच कैन कंटेन द नोवल कोरोना वायरस, तो उसमें नोवल कोरोना वायरस हो सकता है. तो न्यू रिसर्च ने बोला कि जो डेंटल ड्रिल्स होते हैं तो उनको आप आराम आराम से करिए ताकि एरोसोल स्प्रेड इतना ज़्यादा ना हो और मिनिमाइज द एरोसोल स्प्रेड. तो एक इंपीरियल कॉलेज लंदन ने ये स्टडी की थी जिसमें पता चला द रिजल्ट्स आर ऑलरेडी बीइंग इंक्लूडेड एज एविडेंस. तो उन रिजल्ट्स को यूज़ कर लिया गया कि जो भी एरोसोल्स जनरेट होते हैं वो कम जनरेट होने चाहिए. यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर आर्टिकल है. वैसे आपने बिटकॉइन पढ़ रखा होगा इकॉनमी में, लेकिन नहीं पढ़ रखा तभी कुछ बातें हम जान लेते हैं. जो ओरिजिन है बिटकॉइन का अनक्लियर है, लेकिन माना जाता है एक कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जिनकी आइडेंटिटी को सतोशी नाकामोतो है, उन्होंने बिटकॉइन का सिस्टम कॉन्सेप्चुलाइज किया है आफ्टर मैथ ऑफ द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस. तो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये सिस्टम आया है. नाकामोतो ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बोला था पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम होगा, मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स होंगे लेकिन कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा. फॉर एग्जांपल अभी जब ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं तो क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, बैंक होता है, बैंक के थ्रू आपका पैसा जाता है. लेकिन उसमें बैंक के थ्रू पैसा नहीं जाएगा, सीधे वन पर्सन टू अदर पर्सन होगा ट्रांजेक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन.
तो ओरिजिनली बिटकॉइन वॉज इंटेंटेड टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव, पहले ये माना गया था कि ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा फियाट मनी को, ठीक है, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा. लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन का ही एक्सचेंज होता है ऑन द लाइन्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर पीपल टू बाय एंड सेल बिटकॉइंस. तो बिटकॉइंस के ट्रांजेक्शन कैसे मेंटेन किए जाते हैं, तो नाकामोतो ने मूटेड एन आइडिया फॉर कि उन्होंने बोला था पब्लिकली अवेलेबल ओपन लेजर सिस्टम होगा जिसमें सारे ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, पर वो एनोनिमस और इनक्रिप्टेड फॉर्म में होंगे. इस लेजर को ही ब्लॉकचेन कहते हैं. आपको याद भी होगा कि जो अरुण जेटली थे उन्होंने बोला था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल लेकिन बिटकॉइन डेंजरस हो सकता है, ठीक है. तो ब्लॉकचेन क्या होता है, एक पब्लिकली अवेलेबल ओपन लेजर होगा जो कि सारे ट्रांजेक्शन को रखेगा, बस एनोनिमस और इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखेगा. तो पब्लिक और ओपन नेचर ऑफ द लेजर की वजह से क्या होगा, जो करप्शन और इनएफिशिएंसीज इन द सिस्टम है उसको वीड आउट कर सकते हैं इन अ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल डील. अब ट्रेडिशनल डील जैसे कि अभी चलती है, तो अभी क्या होता है, इनमें टू पार्टीज जो कि फियाट मनी को यूज़ करते हैं उसमें थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मिला होता है जो कि बैंक जो कि बताता है कि मनी जेन्यून और ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है. लेकिन विद बिटकॉइन क्या होगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स कॉन्स्टेंटली वर्क करेंगे ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए और बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक पजल्स को सॉल्व करेंगे, और जब वो पजल सॉल्व हो जाएगी तो आपको बिटकॉइंस मिलते हैं. इसको ही बोलते हैं बिटकॉइन माइनिंग. अब एक इंसान बिटकॉइन को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, पहला ये तो वो माइन कर ले बिटकॉइन अगर उसके पास कंप्यूटिंग कैपेसिटी है, दूसरा वो बाय एक्सचेंजेस खरीद ले, या तीसरा वो पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन से ओवर द काउंटर खरीद ले, ठीक है. तो अब बिटकॉइन एक्सचेंज फंक्शंस लाइक अ बैंक वेयर अ पर्सन बाइज एंड सेल्स बिटकॉइन विद ट्रेडिशनल करेंसी. आप ये भी कर सकते हैं ट्रेडिशनल करेंसी देकर भी आप उसे खरीद सकते हैं. और इसका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, तो डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन होता है. तो प्राइस ऑफ अ बिटकॉइन कीप्स फ्लक्चुएटिंग माइनस ऑफ द पीपल हु वैलिडेट अ बिटकॉइन ट्रांजेक्शन एंड सिक्योर द नेटवर्क विद द हार्डवेयर. एक यूनिक एस्पेक्ट ये भी बिटकॉइन में कि सिर्फ 21 मिलियन यूनिट्स ही क्रिएट होंगे, मतलब ये माना जाए कि इससे इन्फ्लेशन आ जाएगा जैसे बिटकॉइन क्रिएटिव होता जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि 21 मिलियन यूनिट्स ही है वहां पर, ठीक है. अ ट्रांजेक्शन कैन बी डिनोमिनेटेड इन सब यूनिट्स ऑफ अ बिटकॉइन, और जो ट्रांजेक्शन है वो सब यूनिट्स ऑफ अ बिटकॉइन में भी हो सकता है, और सतोशी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ अ बिटकॉइन, ठीक है. तो अब आपको पता चल गया ना बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, पब्लिकली अवेलेबल ओपन लेजर है, और एनोनिमस रहता है, सारे ट्रांजेक्शन उसमें सेव होते हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, सतोशी इसकी फ्रैक्शन है. अब म्यूटेटेड कोरोना वायरस इन यूके, इसमें खैर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. तो बेसिकली ये है कि यूके में अभी जो कोरोना वायरस उसका म्यूटेशन मिला, जैसे फॉर एग्जांपल वायरस जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो उसे रेप्लिकेट करता है, लेकिन अगर रेप्लिकेट करते समय उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे इसके स्पाइक्स, इसमें कुछ एक दो स्पाइक्स चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल सारी स्पाइक्स चेंज हो जाए, तो उसे म्यूटेशन बोलेंगे. तो इसमें आर्टिकल में ये बोला गया है कि अभी वैक्सीन जो है वो क्या म्यूटेटेड वायरस में काम कर पाएगी जो कि वैक्सीन हमने बनाई है. तो ये बोला कि अगर एक दो स्पाइक्स चेंज होंगे तो बेसिकली काम कर जाएगी, लेकिन अगर पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो फिर नहीं बता सकते कि काम करेगी कि नहीं करेगी. अब अमेंडमेंट टू कर्नाटका लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, व्हाट अपोजिशन से, तो पहले ये था कर्नाटका के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में कि जो फार्मर होगा मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड होगा वो किसी एग्रीकल्चर के पर्पज से ही बेचा जाएगा, लेकिन अब ये बोल दिया गया है कि उन एग्रीकल्चर लैंड को कोई भी खरीद सकता है. तो द अमेंडमेंट्स अलाउ नॉन एग्रीकल्चर टू बाय एग्रीकल्चर लैंड इन द स्टेट, जो नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट हैं वो भी एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं. तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव इन रिसेंट ईयर्स ग्रेजुअली डाइल्यूटेड लैंड ओनरशिप नॉर्म्स अंडर द लैंड रिफॉर्म्स एक्ट. हम देख रहे हैं कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने धीरे धीरे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया है. तो कर्नाटका लैंड रिफॉर्म्स बिल ने कुछ चीज़ें रिपील की एक्ट से. पहली बात ये कि नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट पे एग्रीकल्चरल लैंड को ले सकते हैं, तो इससे क्या होगा, ये डर होगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट कॉरपोरेट्स अब उनका लैंड ले लेंगे. आपने इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का पढ़ा होगा, तो उस इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था कि ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम लैंड है तो वो उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ यूज़ तो कर नहीं पाते हैं, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो भी कम होता है. तो अगर वो ये सारे अपने लैंड बेच के वहाँ पर इंडस्ट्री सेट हो जाए, वहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करे, तो हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग की GDP भी आगे जाएगी और साथ में उनको जॉब्स भी मिल जाएगी, और अभी जो उनके रेम्यूनरेटिव इनकम बहुत कम है वो भी बढ़ जाएगी. ये मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता रही हूँ. बेसिकली इस आर्टिकल में यही बताया गया कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपना लैंड एक्ट चेंज कर दिया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट चेंज कर दिया, अब जो नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट है वो भी एग्रीकल्चरल लैंड को ले सकते हैं. अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. यहाँ पर एस चाइना ट्रैक्ट मुस्लिम्स. अब यहाँ पे अली बाबा की एक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक है, ठीक है. तो वो ऐसी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक है, वो ये भी बता देती है कि कौन से एथनिक माइनॉरिटी का इंसान है, मतलब कौन सी कास्ट का, सॉरी कौन से रिलीजन का, फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम, वो बता देगी कौन से रिलीजन का. तो चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया उइघर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि वहाँ के मुस्लिम एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं विद इन इमेजेस एंड वीडियोस, और फिर उसके बाद वो उन पर सर्वेलांस रखती थी, उसके बाद उनको एंटी टेररिज्म कैंपेन में कॉल करती थी कि ये सब कि उनके लिए अब एंटी टेररिज्म कैंपेन किया जाएगा. तो मतलब फेशियल रिकॉग्निशन कैसे गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, मतलब लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है. द चाइनीज गवर्नमेंट हैज स्वेप्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिगर्स एंड अदर्स इनटू इंडॉक्ट्रिनेशन कैंप्स एज पार्ट ऑफ व्हाट इट कॉल्स एन एंटी टेररिज्म कैंपेन, ठीक है. उन्होंने ब्रॉड सर्वेलेंस टारगेट किया था यूजिंग दिस फेशियल रिकॉग्निशन एंड जेनेटिक टेस्टिंग टू मॉनिटर देम, ठीक है.
तो फेशियल रिकॉग्निशन का देखो अच्छे के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और बुरे के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उसको बुरे के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर ट्रेड बॉडी टू चीफ मिनिस्टर, तो अभी ये AICCTU उन्होंने बेसिकली ये बोला, आपको पता होगा वेस्टर्न में क्या हुआ था कि वहाँ पे असेंबल इन इंडिया का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था जहाँ पे एप्पल के आईफोन असेंबल होते थे, लेकिन वहाँ के वर्कर्स को कुछ टाइमली पेमेंट और वेजेस नहीं मिला तो उन्होंने बहुत तोड़फोड़ मचाई और बहुत सारा नुकसान भी हो गया वेस्टर्न को। तो अब CM ने यही बोला है वहाँ के कि इनको, ट्रेड बॉडी ने CM को ये बोला है कि इंश्योर टाइमली वेजेस, इनको टाइमली वेजेस मिले इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें US ने क्या किया था, इंडिया को करेंसी वॉचलिस्ट में रखा था। मतलब वो बेसिकली उस बात की रिपोर्ट निकालते हैं कि कौन कौन से कंट्री करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं। करेंसी को मैनिपुलेट का मतलब अपने अकॉर्डिंग अगर उनको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हो तो अपने अपनी जो करेंसी है उसको डीवैल्यू करें। फॉर एग्जांपल डॉलर के सामने बहुत ज़्यादा रुपए की वो बढ़ा दें, ठीक है, रुपए की सप्लाई बढ़ा दें, जिससे क्या होगी जो रुपए होगा वो डीवैल्यू हो जाएगा तो दूसरे कंट्री में उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सस्ते दिखेंगे। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।